हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे। ब्लैक कलर का सूट पहना के पूरा टिच, खुद ने कपड़े चेंज कर लिए। खैर आज हमारी यार बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने की। तुमने 100 रुपए ले लिए फिटिंग के। आज हमारी शबाना का बर्थडे है और ये ऐसे कुछ बोलते है। बहुत प्यारे से आदमी ने 100 रुपए ले लिया। आगे बता देंगे क्या क्या करना है। अभी हम सलमान को और अनमता को लेने जा रहे हैं। सलमान काले चश्मे लगाने थे मुझको भी। मुझे भी खिलाना। हाँ सुंदर है। एक महीना मेरे को। अरे यार ये तो बड़ा क्यूट है। है ना, ये मेरे को लेके जाएगा बोला। फिर तू तू तो लेके जाएगी नहीं जिम, तो मैं ले जाऊंगी। बढ़िया है। दो घंटे सोया हूँ बस। एक घंटा, एक ढाई घंटे सोई। ढाई नहीं, 3:30 शिव जी उठी थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बदतमीजी है। अनंता भी आ गई है बिना म्यूजिक का। यो 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 यो, एक मेंबर मिसिंग है। कर ली ऐसा तो होता ही नहीं है। ये वीडियो, ये चश्मे लगा के ना ज्यादा अपने आप को शाहरुख खान मत बन। करना पड़ेगा, दिमाग खराब कर रहा है उसने। मैं शाहरुख खान क्यों जा रहा है गाइस, बता दो प्लीज। मैं भी पहनूंगी। हमें बहुत ही बढ़िया जगह जा रहे हैं, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। कट कट कट, सब म्यूट मार दो। कट क्या लग रही है पीछे हमें, देखो ये लग रहा है। कैसे से गरीब लग रहे हैं। लेप्रेसी पेशेंट्स का होम है मदर टेरेसा का। तो हम कुछ हेल्दी पीने वाले हैं क्या? 60 का है तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें ज्यादा पानी है। निहाल और अनंता अब चाय पीने चले गए और हम खाने खाने बोल रही हूँ। मैं पीने आ गए नारियल पानी। अरे स्कार्फ कहाँ गया गाड़ी में? अरे 20 रुपए और दे रहे हैं उन्हें। भैया दे दो यार, बेची लेके खरीदी थी। हम इतने अच्छे से क्यों आ रहे हैं? प्लस मैंने कैमरा पकड़ा है। मैं बनाती हूँ ना सिनेमैटिक। कैमरा पकड़ा तुमने? भैया की पीछे मुझे लगा हमारी गाड़ी का कलर कैसे बदल गया। भैया ये मलाई देखो बिल्कुल नरम नहीं है। वो निकाल के दे देंगे ना, काट के। नरम नहीं है ना। नरम। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मदर टेरेसा होम, विच इज अ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज बेस्ड इन लेप्रेसी कॉलोनी दिलशाद गार्डन। तो पहुंचते ही हमने जहाँ गाड़ी पार्क करी थी अपनी, वहाँ ऑपोजिट साइड पे ये छोटे से प्यारे से बहुत सारे बकरे थे। मैं तो एक्साइटेड हो गई। बहुत देर मेहनत करने के बाद मैंने गिव अप ही कर दिया कि अब तो मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा ये छोटा सा मेमना। और इसका बाप ये इतना बड़ा बकरा साइड में खड़ा हुआ था, मुझे लगा मुझे ही ना सींग मार दे। अच्छे से पकड़ वरना झट पैर मारेगा। तो मैंने तो पैर पकड़ लिए ना। बच्चे होते बहुत प्यारे। मैं तो प्यारा। सुन आजा, एज इट इज कढ़ाई में रख दे। आजा। कितने दांत कह रहे थे देखो ना, कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया। अबे बच्चा अब बहुत बच्चा है, बेचारे के दांत ही नहीं आए ढंग से। वो 2 दांत होते हैं ना आगे के, वरना 4 दांत होता है। छोटी सी बच्ची है तो
भाग रहा था, कैसे भाग रहा था ना, एक्टिंग करते से आ गया। 5-7 डरा हुआ है वो मेरे साथ जाएगा, मुझसे क्या डरा हुआ है ये? आज तो मैं गया, आप वो सैड हो गए भाई, आप जाने का रहा भी सो गया है। वो देख रहा है कि मेरे बालक को पकड़ लिया, खतरनाक से लग रहा है। है तो भाई खतरनाक। चलो हम इसको लेके चले, कैसे पकड़ते हैं दोनों पैर, कहाँ गए तेरे? आ गया, पैर दबाएगी तो भाग जाएगा। नहीं अब तो सही है, एटीट्यूड नहीं जा रहा है किसी बच्चे का। वो कह रहा अगर मैं बकरा ना होता, छोटा था तो खा लेता। सो जा तू, क्या मुझे अब नहीं जाते, अब तू पकड़ ले, अब आराम से पकड़ा जाएगा। ये ना जब बहुत तेज भागते ना, फिर ने कहा आज फायदा हो गया उससे, छुट्टी है ना मुझे। अब ये लोग जा खाने, खाना बनवाएंगे अभी ये? नहीं, वो रेडी हो गए। अच्छा बन गया, सिर्फ लगेगा। हम आए मदर टेरेसा, हमारा ज्यादा जरूरी लग रहा था। हाँ ये लोग जा रहे हैं भाई, देखियो यार। धूप में जाना पड़ रहा था और इसने बीच, इसने मुझे बीच रास्ते में रोका है। तुम लोगों ने गोली की तरह जाने को बोला था, इसने मना कर दिया, कह रही ये खावड़े खावड़े उड़ा दिया। अगर ऑनलाइन 600 एक्स्ट्रा कर दिया, रिक्शा नहीं चल, रिक्शे में जा रहे वहाँ, इनकी अम्मी गाड़ी में अनमता भी बैठ रही। रिक्शा चलाने आए मस्त गाड़ी है रे बाबा, क्या सामान है। हेलो, बिल्कुल ऐसे वाइट सूट में आई है, एकदम स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट असली जी, मैं करूंगा मम्मी कराने गई थी क्या, कुछ नहीं करा रही, ऐसा नहीं है, बस मैं कैमरा ऑफ करके काम करा रही हूँ। सब्जी आज तक खाई नहीं है ना, कच्चे केले हैं तो। कच्चे केले भी बन के आ रहे हैं। हाँ बहुत लोग खाते हैं। क्या कह रहा है, कैसे मन करा दिया? मैं कह रहा हूँ ऐसे सक्सेसफुल हो गए, फार्म हाउस ले ले और पेड़ वेड़ लगाए वहीं रहे आराम से, है ना। दिल्ली जाए ही नहीं, दिल्ली में तो रह नहीं सकते फार्म हाउस लेके। हाँ ऐसे सही है, ठंडा ठंडा लग रहा है और जबकि कितनी तेज धूप है, पेड़ के नीचे इतना बढ़िया लग रहा है। सो बेसिकली ये आइडिया था कि ये सारे लोगों को लंच ब्रेकफास्ट सर्व करना है, एंड उसके लिए साउथ इंडियन खाना इन लोगों ने अरेंज करवाया था। एंड जो लोग वॉक कर पा रहे थे, चल पा रहे थे, जो आ पाए वो लोग ऑडिटोरियम तक आ गए, और सब एक साथ मेहनत कर रहे हैं और सब मतलब प्लेट्स बना बना के दे रहे हैं। वहाँ पे अच्छा लग रहा था वैसे तो। ठीक है और जाके बात करनी है।
सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया मैंने। तनी किसको अपडेट दे रहा है, खाना पीना हो गया, हवा चल रही है, सारी अपडेट काम नहीं है, सारी अपडेट जा रही है। तो ये क्या है, अमरूद? अनार है। हाँ सॉरी अनार, पोमेग्रेनेट। अमरूद अनार 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 ये फंस गया सी है। अनार पेड़ पर है। हाँ मेरे बचपन में थे। अच्छा, अरे बाहर ऑरेंजेस भी उग रहे हैं। अजी भैया यहाँ पे ये वॉर्ड्स है, एक ये है, वहाँ वहाँ से पांच सात वॉर्ड्स है और बीच में केले के पत्ते भी हैं। तो इन लोगों ने हर वॉर्ड्स में खाना दे दिया है ऑलमोस्ट। थक गए काम करते करते। আমি ভালো বাসি না, তুমি কি বলবে? আমি তো বলবে, তুমি কি বলবে? और कुछ चाहिए हम लोगों को? बस दुआ करना। सबके लिए बना लिया, अब अपने लिए बना। तुम तो कर लिए, हमने नहीं करना। नहीं बाद में करना, हम लोग हमारे घर का। अभी पता नहीं है क्या होगा, थोड़ा महीना पहले उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने वैसे दिए थे। ये जो शादी वाला शॉट है, बड़ा भी आ गया, बड़ा भी आ गया तेरे पीछे। खेड़ी खेड़ी यहाँ पे बलून्स का होगा क्या नाम था? पता ही नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। पता ही नहीं क्या उसे उदासी से बोला। कैमरा बंद हो गया, कोई नहीं के बाजी भेज तो। ठीक है बाजी। मेरे का नहीं दबा हुआ था। जा रही हो? ये बस सलमान का हमारा है, हमारा है, हमारा है। अल्लाह हाफिज। बाय। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। तो ये एक और आइडिया था शबाना के दिमाग में कि नाइट्रोजन हीलियम वाले बलून्स ले जाए। तो वहीं एक भैया बुला लिए थे, वो फुलाए जा रहे थे और वो चाहती थी कि सबको एक एक पकड़ाए और सब हवा में उड़ाए तो सबको खुशी होगी। भागो भागो। अनमता जी भागी? मैं भागने में बिलीव नहीं करती। चश्मा धूप हो रही है, दो चश्मा। आप मत उड़ाना कोई। One, two, three.
और सबसे पहले बाहर आके हम लोगों ने पिए ठंडी ठंडी पेप्सी, क्योंकि गले सूख रहे थे भाई हमारे, इतनी गर्मी लग रही थी। क्या मिल गई? अबे तूने मेरे को अंडा वाला मुंह वाला डाला था, बताऊंगी। मैं अंडा लगूं कोई नहीं, खुद अंडा नहीं लगनी चाहिए। 2000 years later and with that I'm gonna end this video. So इसी तरीके से इस साल शबाना का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, she wanted to do something for other people. It's not like we are showing it to you guys, but इससे एक चीज़ हो सकती है कि आप लोग भी जाके हेल्प कर सकते हो. इट्स बेसिकली इन दिलशाद गार्डन एंड मतलब वहाँ पे कोई भी ज़्यादा कुछ ऐसा उन लोगों को देता नहीं है जाके. गवर्नमेंट तो ज़ीरो हेल्प करती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग खुद ही करते हैं जो भी करते हैं. वहाँ पे जो पेशेंट्स थे दे ऑल वर गोइंग थ्रू, दे ऑल हैड लेप्रेसी विच इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज़ एंड इट इफेक्ट्स द नर्व्स. तो मोस्टली वहाँ पे मतलब मेरे को भी बाद में पता चला, मुझे नहीं पता था ये डिज़ीज़ क्या है और क्या है. तो आपकी ये जो फिंगर की नर्व्स और मतलब जो एंड नर्व्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं. तो दैट्स वाई पैरों की, हाथों की, तो बहुत लोगों के हाथ आगे से या वो चल नहीं पा रहे थे, फिंगर्स को शायद बैक्टीरिया ना फैले, इस तरीके से उनका ऑपरेशन हुआ होगा. तो वहीं पे थोड़ा बहुत ही वो लोग इलाज वगैरह होगा जो भी है अगर इसका इलाज. तो बस ये था कि ऐसे पैसे वैसे नहीं दिए हम लोगों ने जाके, पर वो जो उनको लंच ब्रेकफास्ट जो भी कराया था दे ऑल वर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि उनको जो चाय भी मिलती है तो ऐसे 90% पानी में ऐसे 10% दूध पड़ता है, इतना ही उन लोगों से हो पाता है. तो जो पहली बार देख रहे हैं या जो पहले से देखते आ रहे हैं, मैं बता देती हूँ शबाना का बर्थडे इतना धूमधाम से मनता है, मतलब बहुत ही बढ़िया सी ऐसे पार्टी वार्टी होती है. तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ऐसा हमने केक वेक भी एक दिन पहले रात को काट दिया था, फिर नेक्स्ट डे भी रात को काटा था, पर दोनों टाइम ही हमने ऐसा कुछ ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाया. तो हम लोग दोपहर में फ्री हो गए थे और घर आ गए थे, क्योंकि सोए नहीं थे रात भर. तो एक आधी घंटा सो के फिर शाम को दोबारा मिले. फिर सब ने एक दिन पहले बर्थडे गिफ्ट दे दिए थे शबाना को, और वो अगर ब्लॉग में होती तो वो दिखाती, बाकी अगर आगे मिलेगी तो दिखा देगी, क्योंकि मेरा बर्थडे नहीं है तो मैं क्या ही करूँगी. तो मैं उसको नेक्स्ट डे ब्लैक कलर का सूट दे के आई, आई होप उसको अच्छा लगा हो. वैसे तो उसको अच्छा लगा था, मैंने ऑप्शन दिया था वाइट और ब्लैक में, तो ब्लैक शी चूज. एंड यप, दैट इज़ इट फॉर द व्लॉग. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी.